ये 15 पीस मैंने पाइनएप्पल लिए हैं। देखो पाइनएप्पल दो तरीके के आते हैं, ये रानी है, इसमें मिठास ज्यादा होती है। दूसरे को आप देसी कह लो चाहे राजा कह लो, उसमें जूस ज्यादा होता है लेकिन मिठास थोड़ी कम होती है, उसके मुकाबले इसमें मिठास ज्यादा होती है, तो मैंने इसी को चूज किया है। इसी से आज मैं आप लोगों को दोस्तों बना के दिखाऊंगा, 5 लीटर बियर बनाऊंगा इससे, और 5 लीटर मैं इससे वाइन भी बनाऊंगा। वाइन की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा, तो आज पहले देखते हैं कि हम इससे किस तरीके से घर में बहुत ही आसान तरीके से बियर कैसे बना सकते हैं। मिलिए इनसे, सबीर है भाई, मेरे नजदीक घर के आसपास जूस बेचने का काम करता है, जूस बनाता है और लोगों को पिलाता है, बहुत ही पुण्य का काम करता है। दोस्तों आज इससे वो सवाल भी पूछेंगे कि ये एक सेब से या मतलब किसी भी फल से इतना ज्यादा जूस कैसे निकाल लेते हैं, उसका भी खुलासा इस वीडियो के अंदर होगा। दोस्तों बड़ी मुश्किल से इसे पटाके लेके आया हूं आज, और साथ में इसको बोला कि मैं अपनी मशीन भी लिया, तो मशीन भी भाई मैंने मंगा ली है। बहुत आसान तरीके से जूस निकालेंगे पाइनएप्पल का इसी मशीन के मदद से, और भाई हमारे मदद करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पाइनएप्पल को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, ये 15 पाइनएप्पल थे जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। इनका हमें जूस निकाल लेना है, और जूस निकालने के बाद हमें कंटेनरों में ले लेना है। दो कंटेनर मैंने लिए हैं, एक में हम पाइनएप्पल वाइन बनाएंगे, दूसरे में मैं बनाऊंगा पाइनएप्पल बियर। एक में पाइनएप्पल वाइन और एक में पाइनएप्पल बियर। दोस्तों दोनों की वीडियो मैं अलग अलग अपलोड करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बनाएंगे हम पाइनएप्पल बियर, उसके बाद पाइनएप्पल वाइन। तो अब जूस निकालना शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे जो ये भाई हैं जूस वाले ही हैं, और अब इनसे जानेंगे कि जूस वाले किस तरीके से एक फल से जो हम घर में जितना जूस नहीं निकाल पाते वो ये काफी ज्यादा मात्रा में निकाल लेते हैं। हमारा बताओ, हमारा निकालने का थोड़ा अंदाज अलग है, हमारी मशीन बढ़िया है, परफेक्ट चलती है, जूस में हमारे गुदा बिल्कुल नहीं रहता है। ग्राहक को स्वाद लाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए हम थोड़ी सी बर्फ भी डालते हैं ताकि जूस ठंडा हो जाए, उसमें मजा आ जाए, ग्राहक को मजा आ जाए, हमें 2 पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इनकी एक तो मशीन की क्वालिटी अच्छी होती है, और थोड़ी सी बर्फ ऐड करने से जूस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे 2 पैसे इनको भी बच जाते हैं और पीने वाले को भी मजा आ जाता है जूस। दोस्तों जग भर के जूस निकाल लिया है हमने, अब उसे हम ले लेते हैं कंटेनर के अंदर और बाकी जूस को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों तकरीबन 4.5 लीटर पाइनएप्पल का जूस मैंने इस जार के अंदर ले लिया है। अब हमें इसका चेक करना है पीएच लेवल। पीएच मीटर मेरे हाथ में है, अब इसका पीएच चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे पीएच जो भी आए, वैसे अपनी तसल्ली के लिए मैं चेक कर रहा हूं, इसके साथ कोई छेड़खानी मैं नहीं करने वाला। पीएच अगर ज्यादा होगा तो भी ठीक है, बियर में कब जो पीएच है 5-6 चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे कम होता है तो ये है कि बियर थोड़ी सी खट्टी खटास आ जाती है बियर में, बाकी और कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इसका पीएच 3.5 है, देखा जाए तो ये वाइन बनाने के लिए बहुत परफेक्ट है, लेकिन अब मैं इसी पीएच पे इससे बियर बनाऊंगा। यहां पे मैंने लिया है एक भगोना, इसे रख लेते हैं गैस के ऊपर, और इस भगोने में दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि जूस जले ना। हमें इस जूस को गर्म करना है, उबालना नहीं है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है, गर्म करना है 80 डिग्री तक, यानी उबाल जैसे ही आने वाला हो उसी तुरंत ही आपको गैस बंद कर देनी है, इसे उबालना नहीं है। यहां पे मैं गैस ऑन कर देता हूं। पाइनएप्पल जूस को दोस्तों हमें उबालना नहीं है, 80 डिग्री तक ही गर्म करना है। अगर आप इसे उबाल दोगे दोस्तों तो इसका फ्लेवर कम हो जाएगा, 80 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें इसे गर्म कर लेना है। उसका रीजन है, कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर हो जाएगा वह मर जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टेरिलाइज हो जाएगा, इसको इसीलिए गर्म किया जा रहा है। दोस्तों इसे एक बार गर्म होने देते हैं, 80 डिग्री तक इसका टेम्परेचर आने देते हैं। ये मेरे पास कमर्शियल थर्मामीटर है, इसी से मैं इसको चेक कर लूंगा, जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। अभी तो शुरू हुआ है ये बॉइल गर्म होना। यहां पे मैं ले रहा हूं 300 ग्राम चीनी, ये 300 ग्राम मैंने चीनी ली है। पाइनएप्पल जूस का टेम्परेचर 80 डिग्री आ चुका है, हमने गैस को कर दिया है बंद। दोस्तों ये रिफ्रेक्ट्रोमीटर है, ब्रिक्सोमीटर, इसकी ये ब्रिक्स में नापता है, ब्रिक्स से मैंने इसको चेक कर लिया था, इसकी जो रीडिंग थी वो 11 आ रही थी, यानी कि अगर हम हाइड्रोमीटर से चेक करें 6% हमें जो इसके अंदर शुगर है
फ्रूट के अंदर जो शुगर है उसी से हमें 6% अल्कोहल परसेंट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इसे बनाना चाहता हूं थोड़ी स्ट्रांग बियर। यहां पे मैंने 300 ग्राम जो ये चीनी ली है इसको हम ऐड कर देते हैं, इससे ये स्ट्रांग बियर बनने वाली है। तकरीबन इसके अंदर 9 से लेके 10% अल्कोहल परसेंटेज रहेगी, यानी कि 10, 9, 9.5 या 10 वो चेक कर लेंगे बाद में। एक बार गैस को फिर से मैंने ऑन यहाँ पे कर दिया है और इसे मिक्स कर लेना है चीनी को ताकि शुगर इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाए। बस ज्यादा देर के लिए हमें इसको गैस पे अब नहीं रखना है। गैस को की फ्लेम को मैं कर देता हूँ बंद, यहाँ पे मैंने गैस कर दी है बंद। अब हमें जल्दी से जार के अंदर इस जूस को ले लेना है। ये अभी काफी गर्म है दोस्तों, 80 डिग्री तकरीबन इसका टेम्परेचर है, तो जो ये जार है ये भी स्टेरिलाइज हो जाएगा। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है, नहीं तो ये जो जार है ये टूट जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जूस डाल दिया है, गर्म है जूस काफी, इसको इस तरीके से हिला देना है ताकि जो ये जार है इसका टेम्परेचर भी अप आ जाए, यानी ये थोड़ा गर्म हो जाए, नहीं तो ये शॉक लगने से टूट भी सकता है। ठंडा था, ठंडा होगा और जैसे ही गर्म डालोगे तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए पहले थोड़ा सा डालना है, फिर से थोड़ा डालना है, फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। बस इस तरीके से एक बार मैं और थोड़ा सा डालूंगा और फिर इसे मिक्स करूंगा, उसके बाद सारा ही जूस इसके अंदर मैं पलट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जार हमारा सेफ रहेगा। अब ये तड़केगा नहीं, ये जार गर्म हो चुका है, अब इसके टूटने का कोई खतरा नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत ही अहम चीजें हैं। जूस को हमने जार में ले लिया है और मैंने एक ये प्लेट ली है, इससे हम इसे ढक के छोड़ देंगे ठंडा होने तक। दोस्तों इसे ठंडा होने में कम से कम 5-6 घंटे लगने वाले हैं, आराम से इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। जब दोस्तों ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं, तो मिलते हैं दोस्तों कुछ घंटे बाद। पाइनएप्पल जूस से भरे कंटेनर को मैंने रात भर के लिए बाहर छोड़ दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दोस्तों ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर लिया है जिसे मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि आधा जूस हमें इस कंटेनर में ले लेना है ताकि फर्मेंटेशन के दौरान कंटेनर ओवरफ्लो ना हो। इसमें बहुत सारे झाग बनने हैं दोस्तों, जब इसमें फर्मेंटेशन होगी तो इसमें बहुत ज्यादा झाग बनेंगे और ये ओवरफ्लो हो जाएगा, उस टाइम पे इसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है ईस्ट न्यूट्रिशन, इसे मैंने घर में ही बनाया था, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो को देख के आप भी ईस्ट न्यूट्रिशन घर में बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ईस्ट न्यूट्रिशन डालने से ईस्ट बहुत अच्छे से काम करेगी, हेल्दी बनी रहेगी और फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पे मेरे पास है बियर ईस्ट, आपके पास जो भी ईस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा आधा चम्मच दोनों ही कंटेनरों में मैं ईस्ट डाल दूंगा। ईस्ट के साथ एक मुट्ठी गेहूं को भूनकर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं इसमें गेहूं वगैरह किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, खालिस जूस से ही बियर बनाऊंगा। ईस्ट डालने के बाद ईस्ट को जूस के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, कंटेनर को उठा के हिला दो, बस वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। दोनों ही कंटेनरों में ईस्ट डाल दी थी और मैंने अच्छे से इन्हें मिक्स भी कर लिया है। अब क्लिंग फिल्म से दोनों ही कंटेनरों को मैं बंद कर दूंगा, बाहर की हवा इसके अंदर नहीं जाएगी, अंदर जो CO2 बनेगी वो रबर के नीचे से निकल जाएगी। क्लिंग फिल्म लगाने के बाद मैं इनके ऊपर रबर लगा दूंगा। यहाँ दोस्तों रबर से मतलब है मेरा रबर बैंड, कंटेनरों के ऊपर क्लिंग फिल्म लगाने के बाद ऊपर से रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड भी मैंने लगा दिया है, 2-3 घंटे के बाद अभी से फिर से चेक करेंगे। कंटेनरों को रखे हुए 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, क्लिंग फिल्म ऊपर की तरफ फूल गई है, यानी कि फर्मेंटेशन चालू हो गई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, ईस्ट शुगर खाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिसकी वजह से ये प्रेशर बन गया है और क्लिंग फिल्म ऊपर की तरफ फूल गई है। दोस्तों हथेली से आहिस्ता से हमें इसको दबाना है और इस प्रेशर को एक बार रिलीज करना है, पूरा दिन नहीं बस एक बार ही आपको करना है। अब इसको मेरे को रख के छोड़ना है 4 दिन, 4 दिन के बाद मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ये इसको इसी तरीके से फर्मेंटेशन इसमें होने देते हैं। जूस को फर्मेंट होते हुए 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है, तो इस एक कंटेनर के अंदर मैं इस सारे जूस को ले लूंगा। दरअसल दोस्तों दूसरे तीसरे दिन फर्मेंटेशन के दौरान बहुत ज्यादा झाग बनते हैं इस पाइनएप्पल जूस के अंदर और ये ओवरफ्लो हो जाता और बहुत सारा जूस रबर बैंड के नीचे से निकल जाता और यह सारा पल्प ऊपर की तरफ आ जाता है, तो काफी वेस्टेज हो जाती है, इसीलिए अलग अलग इनको मैंने फर्मेंट किया।
अब एक ही कंटेनर में मैंने इसे ले लिया है, ऊपर से क्लिंग फिल्म भी मैं लगा दूंगा और रबड़ बैंड लगा के ऐसे ही फर्मेंटेशन होने दूंगा और फर्मेंटेशन रुकने का इंतजार करूंगा, उसमें अभी समय लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ दिन बाद। फर्मेंटेशन होते हुए 13 दिन हो चुके हैं और लगभग लगभग फर्मेंटेशन रुक ही गई है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे सोडा की एक बॉटल ली है जिसे मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था, इसके अंदर ये फर्मेंटेड जूस हम निकाल लेंगे। एक बार दोबारा से इसकी रीडिंग मैं ले लेता हूँ, रिफ्रैक्टोमीटर मैंने ले लिया है, जूस भी इसके ऊपर मैं डाल लेता हूँ और एक बार रीडिंग चेक कर लूंगा और आपको दिखाता हूँ इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। 5 से नीचे रीडिंग आ रही है, तकरीबन 4 रीडिंग है ये। शुगर इसके अंदर मौजूद है, शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस अब बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे फ्रिज के अंदर रख देना है 1 हफ्ते के लिए। दोस्तों इसमें अभी फर्मेंटेशन चालू है, फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती रहेगी और जब ये बियर ठंडी हो जाएगी तो ये खुद ब खुद कार्बनेट हो जाएगी। ये एक नेचुरल तरीका है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तभी बबल्स आएंगे, तभी झाग बनेंगे। कंटेनर के अंदर मेरे पास 4 लीटर के आसपास बियर और बची है, उसे मैं उठाऊंगा कंटेनर को और उसे भी मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगा 2 दिन के लिए, उसे मैं मुझे ठंडा कर लेना है। दोस्तों ये है कैग, जो बियर मैंने ठंडा होने के लिए रखी थी फ्रिज के अंदर, उसे मैं अब इस कैग के अंदर ले रहा हूं। इस कैग के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ये बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों, इसके बिना आप अच्छी बियर नहीं बना पाओगे। दोस्तों अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं और बियर ही बनाना चाहते हो तो इस तरीके के कैग ले लीजिए। 5 लीटर में भी आता है, 19 लीटर के भी कैग मार्केट के अंदर अवेलेबल है, 10 लीटर का अभी मैंने ढूंढा नहीं है, हो सकता है 10 लीटर का भी आता हो। बियर को 2 दिन के लिए फ्रिज में रखने से बियर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ईस्ट ने इसके अंदर काम करना बंद कर दिया है, कंटेनर की तली में वो बैठ गई है और जो अब हम कैग में निकाल रहे हैं वो ऊपर ऊपर से निकाल रहे हैं ताकि कैग के अंदर ईस्ट ना रहे। दोस्तों ये 5 लीटर का कैग है, इस पे एक तरफ मीटर लगा हुआ है और उसी में फिट है CO2 सिलेंडर, दूसरी तरफ ये नॉब लगी हुई थी जो कि मैंने निकाल दी है, यह थी टैप, यानी कि इसी के अंदर से बियर बाहर आती है। दोस्तों मुझे इस टैप की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसे 5 दिन के लिए फ्रिज में रखना होगा, ठंडी होगी तभी CO2 अंदर मिक्स हो पाएगी बियर के, नहीं तो नहीं होगी, गर्म के अंदर मिक्स नहीं होगी। इसको मैं मुझे सेट कर देना है PSI पे, यानी 20 PSI पे मेरे को इसको सेट करके रखना है, इसके अंदर 20 PSI का प्रेशर रहना चाहिए तभी ये कार्बोनेट होगी अच्छे से। मैंने इसको 20 पे सेट करके छोड़ दिया है, अब इसे मैं रख दूंगा फ्रिज के अंदर। कैक को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है, तो दोस्तों मिलते हैं 5 दिन बाद। दोस्तों बियर को रखे हुए 1 हफ्ता हो चुका है बनने के लिए फ्रिज के अंदर और ये काफी हद तक ये क्लीन भी हो गई है, इसे थोड़े दिन और छोड़ूंगा तो और भी अच्छी क्लीन हो जाएगी, लेकिन काफी क्लीन है अब भी। तो दिखाता हूं इसमें और जो हमने ये कैग रखा है इसे भी मैं निकाल लेता हूं, इन दोनों में फर्क तो बात करते हैं। सबसे पहले जो बियर हमने बॉटल के अंदर बनाई है, चेक कराता हूं इसको मैं कि इसमें क्या क्या समस्या है। दरअसल इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ ईस्ट बैठ जाती है, इस बॉटल को हम मुंह पे लगा के नहीं पी सकते और जब हम इसे गिलास में भी डालेंगे तो ये मिक्स इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। 1 गिलास शायद हम इसमें से निकाल सकते हैं या 1.5, उसके बाद इसके अंदर ईस्ट मिक्स हो जाएगी जिससे हमारी काफी बियर बर्बाद होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर ईस्ट, ये देखिए दोस्तों इसके नीचे ईस्ट बैठी हुई है। जब मैं बॉटल को खोलूंगा तब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब मैं बोतल को टेढ़ी करूंगा इस तरीके से ग्लास में डालने के लिए तो दिक्कत आएगी, तब ये फैलेगी। हम 1 या 1.5 गिलास ही इससे निकाल पाएंगे, वेस्ट हो जाती है, इसलिए मेरे को ये तरीका ठीक नहीं लगता है। अब मैं इसे गिलास में डाल के आपको दिखाता हूं, देखिए इसमें झाग बनेंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनने वाले, बस इतने ही बनेंगे जितने की एक सोडा बोतल में होते हैं। खोल लेते हैं पहले से, ये देखिए इसमें सूंघ की एक आवाज आई है, ये देखिए, और इसके अंदर झाग बनने चालू हो जाएंगे। गिलास में डाल के दिखाता हूं आपको, बहुत ज्यादा झाग इसके अंदर नहीं बनने वाले, बस हाँ एक सोडा की तरह ही होगा ये। अगर अब मैं इसको ज्यादा हिलाऊंगा तो ये नीचे वाली ईस्ट हिल जाएगी और सारे के फैल जाएगी, तो इसलिए बहुत धीरे 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 इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। और गिलास में आप देख ही सकते हो किस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनी है, बनी है, बियर बनी है इसमें भी। इसी तरीके से मैं बनाता भी रहा हूं, पहले भी मैंने बनाई है और 1-2 बार बीच में भी मैं बना चुका हूं। अब दिखाता हूं मैं आपको कैग में कैसी बनती है।
फर्क देखना आप ही। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये टैप लगा लेता हूं कैट के ऊपर, और टैप को चेक कर लेना है बंद है नहीं, तो हाँ बंद है। अब इसको मैं फिट कर लेता हूं उसके ऊपर। ये है वो बियर, पाइनएप्पल बियर जो मैं बनाना चाहता था दोस्तों और आपको दिखाना चाहता था। इसमें झाग अपने हाथ में है, प्रेशर ज्यादा रखोगे तो झाग इस तरीके से बनेंगे, कम रखोगे तो दोस्तों कम भी रहेंगे। लेकिन इसके मुकाबले आप देख सकते हो जेन्युइन तरीका क्या है। बियर आप लोग सब घर में बनाना चाहते हो लेकिन दोस्तों इक्विपमेंट्स के बिना बहुत मुश्किल है, सच्चाई यही है। और झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है कि झूठ बोल के मैं कुछ गलत आप लोगों के सामने परोसूं। थोड़ी स्ट्रांग बनाइए, कुछ दोस्तों को स्ट्रांग बियर पसंद है तो उनको मैंने ये स्ट्रांग बियर खासकर उनके लिए ही बनाई है। बियर हमारी वाकई में बहुत जबरदस्त बनी है, तो यूं ही बने रहिएगा दोस्तों आने वाली वीडियोस में मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।